आपके शहर गढ़वा में रांची की ख्याति प्राप्त संस्थान। हमारा पता है द नेक्सस एकेडमी, नियर मंगलम टेंट हाउस, थाना के पश्चिम गढ़वा। 7004714936 या 9576144386। नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। आज 20 जनवरी सोमवार को अनेक निशुल्क बैंक के संस्थापक सह राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह के आयोजक शौकत खान ने 6वें वर्ष की गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह की शुरुआत की। शौकत खान ने गढ़वा जिले के ऐतिहासिक गढ़देवी मंदिर के पुजारी राजन पांडे जी को मंदिर परिसर में जाकर शौकत खान ने राष्ट्रीय तिरंगा किया। यह जो है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह, विगत 5 वर्षों से हमारे छोटे भाई शौकत खान जी जो हैं वो राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान उस वीर जवानों के लिए है जो अपने सभी घर के परिवार, बाल बच्चों सभी को छोड़ करके हमारी रक्षा के लिए माइनस टेम्परेचर में भी और हमारे रक्षा के प्रति लगे हुए रहते हैं और उनको यह समर्पित है। मैं अपने पूरे उससे उनको धन्यवाद देता हूँ कि और इस तरह से और लोगों को आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी जो हैं उन शहीदों के लिए जितना बन सके वो करें, धन्यवाद। वहीं गढ़वा जिले के सबसे बड़े मस्जिद जामा मस्जिद के इमाम हाजी हाफिज अब्दुल समद साहब को शौकत खान ने राष्ट्रीय तिरंगा भेंट किया। आज पिछले कई वर्षों से जनाबे शौकत खान साहब जो खिदमत खल्क कर रहे हैं और समाज के साथ जुड़े हुए, गरीबों और मोहताजों के साथ कभी कपड़ा बांटकर, कभी कंबल जाड़े का मौसम में देकर, कभी खाना देकर, जहां समाज को बहुत सारी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वहीं आज हर जगह जा कर के देश का जो तिरंगा है, जो हमारा देश का एक अजीम निशानी है, ये दे करके पूरे समाज को और ख़ासकर हमारा फौज जो बॉर्डरों पर जो हमेशा हमारी हिफाजत के लिए तैनात है, उनके हौसले को बुलंद करने के लिए कौमी तिरंगा को आज हर जगह बांट करके दे करके उनके हौसले को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये पैगाम देना चाहते हैं उन सिपाहियों को, उन फौजों को और अपने उन सेना के लोगों को जो देश के बॉर्डरों पर रह करके अपना हर दुख दर्द सहते हुए, तकलीफ़ों को सामना करते हुए हमारे मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनके हौसले को बढ़ा रहे हैं। इस मौके पर मैं जनाब शौकत खान साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक अच्छा काम अंजाम दिया और इस काम की अच्छी शुरुआत आपने की है। और मैं भी सेना के साथ ये रह करके और अपने उन सेना को, उन फौजों को मुबारकबाद भी पेश करता हूं और उनके हौसले को बढ़ाते हुए मैं भी ये कहता हूं कि आपके साथ हम सारे लोग, समाज के हर वर्ग के लोग आपके साथ हैं। आपके हौसले को बढ़ाने के लिए, तिरंगा को सलामत रखने के लिए हम सारे लोग आपके साथ हैं। शौकत खान ने आज हिंदू मुस्लिम समाज के सबसे बड़े धर्म गुरु को राष्ट्रीय तिरंगा से सम्मानित कर राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह की शुरुआत की। साथ ही शौकत खान ने बताया कि राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह देश के वीर सपूतों के सम्मान में लगातार 5 वर्षों से आयोजित कर देश के उन वीर जवानों का हौसला अफजाई करते हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर देश की सुरक्षा में तैनात हैं। राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह पिछले 5 वर्षों से लगातार चलाते आए हैं। ये हमारा उद्देश्य है जो देश के सीमा पे तैनात हमारे जवान भाई हैं उनको हम एक संदेश देना चाहते हैं। गढ़वा जैसे छोटे जगहों से कि आप सीमा पे तैनात हैं देश की सुरक्षा में, हम लोगों की सुरक्षा में, एक एक नागरिक की सुरक्षा में, आप अपने घर परिवार को त्याग करके देश की सुरक्षा में समर्पित हैं, तो हम संदेश देना चाहते हैं कि आप अकेला नहीं हैं, हम सब भारतीय आपके साथ हैं, एक एक बच्चा बच्चा देश का नागरिक आपके साथ हैं। उसी के कड़ी में 2020 का आज
पहला शुरुआत कर रहे हैं राष्ट्रीय तिरंगा सम्मान समारोह में, तो हमने आज गढ़वा जिले के ऐतिहासिक मंदिर गढ़देवी मंदिर के पुजारी जी को हमने राष्ट्रीय तिरंगा भेंट कर इस कार्यक्रम की शुरुआत किया। धन्यवाद, जय हिंद। आज के छोटे बच्चों की टीम में थे मारिया, जैनब, अमन, अरमान एवं शौकत खान के पुत्र साजिद खान। धन्यवाद।